बात हमारी जो टॉपिक है वो है छठा सॉरी चौथा, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू डू परफॉर्म टू देयर एबिलिटी। मतलब वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप इस कार्य को कर सकते हैं, इस कार्य को करने के लिए मैं आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दूंगा जिससे आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीख सकते हैं तो उसके बाद भी आप कैसे किसी चीज़ को सिखा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी जो पांचवी टॉपिक है वो कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना और उनको इंस्ट्रक्टिंग देना कि किस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये सारे फीचर्स हम लोग इसमें देते हैं। ओके, उसके बाद में छठवां जो टॉपिक है वो है कॉरपोरेट विल अदर डिपार्टमेंट, मतलब किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं वो अदर डिपार्टमेंट के लोगों से कि जिससे जो वर्क है उनका वो पूरी तरीके से क्या अंडरस्टैंडिंग के तौर पे किया जा सके या समझा जा सके, जो भी है। इसमें कोऑपरेट करना भी एक कला होती है जो सभी डिपार्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति कोऑपरेट करता है उनके जो कार्य होते हैं वो बहुत ही इजी वे में हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। उसके बाद इसके जो लास्ट टॉपिक है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, वो है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान, मतलब वो क्या करते हैं, प्लान को पूरी तरीके से चेंज नहीं करते, लेकिन हाँ उसमें समय समय पे उसमें आने वाले बदलाव को पूरी तरीके से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स हमने डिस्कस किया, मिडिल लेवल को ऑफ मैनेजमेंट को भी मैंने डिस्कस किया, उसके फीचर्स को मैंने डिस्कस किया। अब ये हमारी लास्ट टॉपिक है, सॉरी इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। हमने आपको पहले बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट टॉप, सेकंड मिडिल, थर्ड लोअर। ओके, अब बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट वो होते हैं जो हमारे टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों से ही नीचे, मतलब एक तरीके से ओनली एंड ओनली पुअर की बात होती है। जैसे लिखा है कि इट इंक्लूड्स सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, क्लर्क एक्सेट्रा, मतलब इसमें हम चपरासी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चपरासी भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे लो लेवल की व्यक्तियों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लिया जाए, या तो उनके नॉलेज के हिसाब से देख लिया जाए, या तो उनको एक तरीके से वर्क के हिसाब से देख लिया जाए, उन व्यक्तियों को चूज़ किया जाता है जिसको हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज़र होते हैं उसमें, फॉरमैन होते हैं और क्लर्क होते हैं एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की जो कि आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, मेंटेनिंग गुड्स वर्किंग कंडीशंस, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद हैव द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन रिक्वायरिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स, कम्युनिकेटिंग वर्कर्स एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन। इसमें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें एक प्रकार का वो कैटेगरीज होता है जो उन व्यक्तियों के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में अपॉइंट होते हैं जॉब करने के लिए, तो उनको एज अ नॉलेज, एज अ एक्सपीरियंस ना होने के कारण उनको लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, पोस्टिंग दी जाती है, जिससे उनके पोस्ट या तो सुपरवाइज़र के होते हैं, या तो फोरमैन के होते हैं, या तो क्लर्क के होते हैं, हाँ, या तो एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ कि शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन और शॉर्टेज ऑफ एक तरीके से ओपिनियन की बात भी कर सकते हैं, या तो उनके पास वो बैकग्राउंड ना हो जिस बैकग्राउंड से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पूरी तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और जिससे लोगों को एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है और
कम्युनिकेटिंग किया जाता है, या तो लैंग्वेज को लेकर के, या तो नॉलेज को लेकर के, या तो वर्कर्स की सजेशन को लेकर के, और उनको मेंटेन करते हैं प्राइस को स्टैंडर्ड करने की, क्वालिटी को स्टैंडर्ड करने की, बूस्टिंग करने की, मोरल ऑफ वर्कर्स की मिनिमम या मैक्सिमम दोनों की वेस्टेज की, मतलब कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हो, और उनको मेंटेन किया जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेकर के, और आउटपुट को भी मेंटेन किया जाता है, और उसमें सेफ्टी भी बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड होती है, जो कि आपके टॉप लेवल ऑफ मिडिल लेवल के स्टैंडर्ड के टाइप्स की नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सेफ्टी होती है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है, मतलब इसमें वर्करों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये वर्कर जो होते हैं लोअर लेवल के होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल के वर्कर मिडिल लेवल को स्टैंड करते हैं, मिडिल लेवल के वर्कर टॉप लेवल के वर्करों को स्टैंड करते हैं, और ये जो लेवल होता है ये तीनों लेवल एक दूसरे से क्या है, एडेड है, जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पूरी तरीके से हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन जो फीचर्स है वो फीचर्स आपका है मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब इसमें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है वो उसको कंटिन्यूसली मेंटेन किया जाता है, और उस मेंटेन को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है एज अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके के वर्कर हमारे लोअर लेवल, मतलब टॉप लेवल से लेकर के हमारे लोअर लेवल तक के वर्करों को प्रोवाइड की जाती है। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हमने आपको बताया फर्स्ट जो टॉपिक थी वो थी हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें हम लोगों ने टॉप लेवल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, किस तरीके के एम्प्लॉइज़ को उनकी पोस्टिंग के हिसाब से वर्क किया जाता है, किस तरीके की फ़ीचर्स उनको दी जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पोस्ट होता है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्ट होता है, और इसमें हर वो फैसिलिटी दी जाती है जिससे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनको किसी प्रकार की किसी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस तरीके से अपोलोजाइज होता है, किस तरीके से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको हैंडल करता है, इसको यूज़ करता है, और किस तरीके से मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से टॉप लेवल के नियमों को फॉलो करता है और उनको किस तरीके से हैंडल करता है। उसके बाद हमने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स को डिस्कस किया। इस फीचर्स में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे वर्कर अपने प्लान्स को, अपने पॉलिसीज़ को एज अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से सेट करते हैं, अपने वर्क को पूरी तरीके से सेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि उनकी पोस्टिंग जो हो, उनके जो प्रमोशन हो वो जल्द से जल्द हो, और उनके जब प्रमोशन होती है तो उनकी सैलरी में भी बेनिफिशियल होते हैं, उनको फीचर्स भी बेनिफिशियल होते हैं, और उसमें उनको कैटेगराइज भी अच्छी तरीके से की जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके का वर्क इसमें दिया जाता है, और इसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिस्क नहीं होता है, और ये जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये कैसे स्टैंड हुआ है, और इसके ऊपर किसका हेड होता है, फिर उसके ऊपर किसका हेड होता है। फिर मैंने इसके, मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स की बात की, जिसमें मैंने मेन फंक्शन था, इस फंक्शन में मैंने आपको बताया पूरी तरीके से कि किस तरीके से ये समस्याओं को एज अ वर्कर के तौर पे देखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको किस तरीके से टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड सेफ्टी देते हैं, किस तरीके से उनको मटेरियल्स देते हैं, उनके शॉर्टेज ऑफ नॉलेज का यूटिलाइज़ करते हैं, उनको कैसे सिखाते हैं, उनको किस तरीके का सजेशन देते हैं, उनको किस तरीके का कंडीशंस देते हैं वर्किंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पूरी तरीके से क्या है, इन्वॉल्व है, और इसके इन्वॉल्वमेंट्स इसके इन्वॉल्व से ही हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रॉड होता है, ग्रोथ करता है, और डिपार्टमेंट को ही इसको देखना पड़ता है ताकि इससे किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, और ये जो दिक्कत है ये दिक्कत उन लोगों को ना हो जिन लोगों को हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ना होता है और
पूरी तरीके से करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी टॉपिक हो गई लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग ये सारे कैटेगराइज पढ़ेंगे जो कि आपके नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। इस नेक्स्ट वीक के टॉपिक का डिस्कशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन टू दी मैनेजमेंट। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिससे पूरा जुड़ के मेरा मैनेजमेंट बना हुआ है, तो इसका जो डिस्कशन है आपको नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।